हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन की 86। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी का 16 अक्टूबर का ऑल शिफ्ट यानी कि सभी पालियों का एग्जाम समाप्त हो चुका है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान से आए हुए जितने भी प्रश्न यानी कि जनरल नॉलेज से जितने भी प्रश्न आए थे, आज तीनों शिफ्ट में कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी भी है जिनका अभी एग्जाम बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिनका एग्जाम बचा है वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज जितने भी प्रश्न अभी तक आए हैं वो सारे प्रश्न को देख लें, क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम सारे की सारे क्वेश्चन दिखलाएंगे और बताएंगे भी कि कौन से क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और जो कैंडिडेट ने अभी तक हमारे चैनल को देखिए सब्सक्राइब नहीं किया हो, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज चैनल पर जाएं और इस सब्सक्राइब के रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का नोटिफिकेशन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का ये सिनारियो। देखिए, ये पहला प्रश्न ही बैंकिंग से आ चुका है कि बैंक रेट जो है होता है वो कौन लागू करता है, यानी कि बैंक का जो दर होता है, रेट होता है, वो कौन लागू करता है। तो दोस्तों, आंसर होगा वहां पर आरबीआई। जिनने भी आरबीआई क्लिक किया होगा आंसर, वहां पर उनका बिल्कुल ही सही है आंसर आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में अक्सर फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तभी कुछ दिन पहले कुछ बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा का भी फुल फॉर्म पूछा गया था एग्जाम में। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोट कर लीजिएगा, इंडिया का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो देखो आंसर है इंदूज नदी। ठीक है, तो इंदूज जो नदी है उसको सिंध कहा जाता है। ठीक है, सिंध नदी को इंदूज नदी भी कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि ये जीके भी है। एक्चुअली जो हमारे नॉर्थ एरिया के जो पाकिस्तान वाले एरिया में सिंध नदी बहती है, उस सिंध नदी की तरफ जितने भी लोग हैं वो लोग वहाँ पर इस इंदुस नदी कहते हैं, इसको इंदुस नदी। चलिए तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। बैंक दर कौन लागू करता है, तो बैंक दर लागू करता है दोस्तों आरबीआई, यानी कि इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले कि बीओबी का फुल फॉर्म क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का नाम पूछा गया था वहां पर, तो ये आंसर है यहां पर बैंक जो रेट है, बैंक रेट कौन लागू करता है। तो देखो, सभी रेगुलेटरी बॉडी जो होता है बैंकिंग सेक्टर का, वो आरबीआई ही कंडक्ट करता है। अगला जो हमारा प्रश्न था वो जीके से था कि इंडिया का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया है, तो जाहिर सी बात है वो इंडूज नदी है उसका नाम, और इसने इस पर जिसने भी क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखो, ये प्रश्न रिपीट किया गया है कि संजू फिल्म के अभिनेता कौन है, तो ये संजू फिल्म से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे गए हैं दोस्तों, तो आंसर है रणबीर कपूर, नोट कर लीजिएगा। और इसके जो निर्देशक कौन थे, तो वो थे राजकुमार हिरानी। ठीक है, चलिए, जिन्होंने मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्में भी बनाई हैं, थ्री इडियट जैसी फिल्में भी बनाई हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017, ये रिपीटेड प्रश्न है फिर से, तो ये हैं के सोबित्ती। ठीक है, के सोबित्ती जो हैं वो हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 की विनर। और रैपिड चेस टूर्नामेंट के विनर 2017 के कौन हैं, तो विश्वनाथन आनंद हैं। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे के सारे, और ये रिपीट हो सकते हैं अगले शिफ्ट में भी। तो जिनका भी अगला एग्जाम है यानी कि कल, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है कि पशुधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है। पशुधन योजना जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल और हस्बेंड्री एंड फिनेंस के जरिए ये शुरू की गई है, नोट कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड फिनेंस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और ये एक्चुअली नया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नया दिख रहा है यहाँ पर, अभी तक ये नहीं पूछा गया था, तो इसको नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कि आगे इससे रिलेटेड प्रश्न और भी बन सकते हैं। अगला जो प्रश्न था कि हीरो मोटर कप विजेता कौन है, तो हीरो मोटर कप जो विजेता है दोस्तों वो कौन है, इंडिया, अपना भारत। ओके, चलिए दोस्तों अगला हम प्रश्न देखेंगे।
संविधान के मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये प्रश्न पूछा गया है संविधान से, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। दोस्तों इसका आपको आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान से प्रश्न तो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक प्रश्न और अभी पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट में उसको पूछा गया है, मैं उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो संविधान के मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, ये हैं USA से लिए गए हैं, नोट कर लीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एक्चुअली जो हमारा संविधान है ना, वो अमेरिका के संविधान के ढांचे पर ही बना हुआ है। उसका अगर देखा जाए स्ट्रक्चर, तो वो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके आधार पे ही बना हुआ है। तो ये जो मौलिक अधिकार का सिद्धांत है, ये पूरा का पूरा वहीं का लिया हुआ है, USA का, ओके। मेघालय की सीमा किस राज्य से सटी हुई है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो कितने सारे बॉर्डर होते हैं जो कि भारत के राज्यों को छूते हैं, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर हैं। जैसे कि बिहार की बात की जाए, तो बिहार जो है नेपाल, यानी कि अलग कंट्री है नेपाल, तो नेपाल को टच करता है। उसी तरह ये प्रश्न उल्टा पूछा गया है कि मेघालय की सीमा किस राज्य से सटी हुई है, ये प्रश्न है, ठीक है। ये कंट्री नहीं पूछा गया है, ओके। तो देखो ये पूर्वोत्तर राज्य है हमारे, ठीक है। तो अगर वहाँ पे ऑप्शन अगर सिक्किम होगा तो भी आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, देखो मेघालय एक्चुअली असम के साथ पूरा टच है, ठीक है। मेघालय का जो आपका सीमा है वो असम के साथ पूरा टच है, तो असम अगर वहाँ पे ऑप्शन में होगा तो बिल्कुल सही होगा। देखो फिर अगर असम के बाद बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर भी अगर ऑप्शन में होगा तो वो भी सही होगा। और अगर बात कर लें हम अरुणाचल प्रदेश की, तो अगर ये अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में होगा तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। तो जो भी आंसर वहाँ पे अगर होगा असम मणिपुर में, तो आपको आंसर वहीं लगाना है। और अगर ये देश पूछता कि किस देश के राज्य के साथ इसका बॉर्डर टच है, तो वहाँ पर आपको भूटान और बांग्लादेश, ठीक है, आंसर होता। चलो आगे बात करेंगे, बनारस के सांसद 2014 में कौन बने थे, ये प्रश्न था। 2014 में बनारस के सांसद बने थे हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, ये उन्होंने जीती भी थी वहां से, ठीक है। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है कि HDFC के CEO का नाम बताना है। तो HDFC के देखो CEO, मैं CEO के ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूँ दोस्तों, आप सभी उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और वहां से ही प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, है ना। तो टॉप 40 CEO के नाम दिए हैं, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया है, तो उस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर है वैसे CEO ऑफ HDFC बैंक आदित्य पुरी, ठीक है, आदित्य पुरी, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आदित्य पुरी इनका नाम है, क्या, आदित्य पुरी, नोट कर लिए। चलिए अब अगला जो हमारा प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश के CM का नाम पूछा गया है। तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो CM है, ये है पेमा खांडू, क्या नाम है इनका, पेमा खांडू, पी खांडू कह सकते हैं आप, पी खांडू थुंगन नाम है इनका, ओके। चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है कि RBI के रेपो रेट में जारी की है, RBI ने क्या रेपो रेट जारी किया है अहमदाबाद में? तो अहमदाबाद का जो रेपो रेट है वो 6.5 जारी किया गया है, जो कि अभी तक के सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। चलिए योगा को किस देश ने बढ़ावा दिया है? तो अभी उसमें जो ऑप्शन थे सऊदी अरब, ठीक है, तो सऊदी अरब जो है वो सबसे ज़्यादा योगा जो है उसको बढ़ावा दिया है। चलिए आगे कुछ प्रश्न हैं और उसे हम देखेंगे कि 63वें अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ये देखो 63वां जो अवार्ड दिया गया नेशनल अवार्ड, इसकी बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये दिया गया हिंदी मीडियम फिल्म को 2018 में, यानी कि एक प्रश्न और यहाँ से क्लियर होता है कि जो 2018 में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो कौन सा था, तो ये 63rd यानी कि 63वां अवार्ड महोत्सव था, ओके। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। न्यूटन के डायरेक्टर, न्यूटन मूवी है, नॉट ये इसको साइंस से रिलेट मत कीजिएगा, न्यूटन एक मूवी आई थी, ठीक है, उसके डायरेक्टर का नाम पूछा था, बहुत ही उम्दा फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, अमित भी मसूरकर, है ना, इनका नाम है क्या, अमित भी मुसरकर, नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। दो फिल्म में है इंपॉर्टेंट, हिंदी मीडियम न्यूटन और संजू, इन तीन से अभी लगातार फिल्मों के बारे में पूछे जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना
कब हुई थी ये पूछा गया है, तो 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 26 जनवरी 1950। और हमारा गणतंत्र दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है, चलिए 26 जनवरी को। वासदा नेशनल पार्क, वासदा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है दोस्तों गुजरात में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा आप सभी। और दचिंगन कहाँ स्थित है, तो दचिंगन स्थित है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगला जो प्रश्न है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर का नाम बताना है, तो ये है अर्णव गोस्वामी, यह दोस्तों अर्णव गोस्वामी है रिपब्लिक टीवी के एडिटर। और रवीश कुमार किस टीवी चैनल से जुड़े हुए हैं, तो देखो ये है दोनों क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड में और थर्ड में भी, तो ये है इंडिया टीवी के। ओके दोस्तों, तो ये 16 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे ज़रूर, ठीक है। और देखो स्टार्टिंग में तो 2 से 3 क्वेश्चन रिपीटेड आए थे, और भी क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है रिपीट हो सके यहाँ से अब, है ना। तो IDBI के CEO का नाम पूछ दिया गया है, देखो CEO के बारे में बार बार बोल रहा हूँ कि आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप चैनल पर जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे एक फोल्डर है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, क्या है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उसको जरूर देखिएगा, उस पूरे वीडियो उस टॉप फोल्डर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो IDBI के CEO का नाम है दोस्तों राकेश शर्मा, और खिलाफत आंदोलन के नेता थे अली बदर, ठीक है, अली ब्रदर जो थे सन 1915 से लेकर सन 1923 तक इसका आंदोलन हुआ था। ओके दोस्तों, तो आज के इस पूरे वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप तक लेके आए हैं, लगभग क्वेश्चन जो थे वो नए क्वेश्चन पाए गए हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन देख कर जाइएगा और उनसे रिलेटेड प्रश्न पढ़ कर जाइएगा, ताकि आपके आने वाले शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का जो प्रश्न है वो आपसे थोड़ी देर में आपको आपके चैनल पर दे दिया जाएगा।